हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम एक छोटा सा पोर्टेबल वीडियो प्लेयर अनबॉक्सिंग करेंगे, जो वीडियो प्ले कर सकता है, ऑडियो प्ले कर सकता है, ब्लूटूथ भी है इसके अंदर। काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। तो ये क्या है, आपको बहुत काम आ सकता है, मतलब ट्रैवलिंग में कहीं पे अगर आप छोटा सा DIY प्रोजेक्ट है आपको बना के लेके जाना है, जैसे कि गाना सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया प्रोडक्ट। तो ये आपको अली एक्सप्रेस पे से आपको ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और इसका ऑनलाइन परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अली एक्सप्रेस पे ही आपको मिल जाएगा, और बैंगोड पे भी मिल सकता है। मैं उसका भी लिंक अगर मुझे मिला तो मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसका अभी मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, इसको ऑपरेट करके भी दिखाता हूँ। और डिलीवरी इसका काफ़ी जल्दी मिल गया, नहीं तो नॉर्मली उस पर टाइम लग जाता है, क्योंकि तो इस बार बहुत जल्दी आ गया था। ये मैंने थोड़ा कुछ टेस्टिंग करने के लिए मैंने रखा था। तो आपको मैं प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, बॉक्स को साइड में रख देते हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने इसको ट्राई किया है, इसको तो है बहुत अच्छा है। ये साथ में इसका रिमोट आता है, अभी फ़िलहाल रिमोट के अंदर मैंने सेल नहीं डाला हुआ है, बैटरी नहीं है उसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। वायर्स इसमें आते हैं, और ऐसी ये स्क्रीन है, LCD डिस्प्ले है। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, बड़ा वाला है। अगर आपका छोटा मेमोरी कार्ड रहेगा तो उसके लिए आपको अडेप्टर लगेगा। USB है यहाँ पे, वॉल्यूम वन सॉरी डाउन अप, ये इंफ्रारेड है यहाँ पे इसके लिए, रिमोट के लिए। माइक है, मतलब कॉलिंग का भी सिस्टम सपोर्ट करता होगा यहाँ पे, माइक जैसा कुछ है क्या? हाँ है, यहाँ पे माइक तो है यहाँ पे, मतलब कॉलिंग भी सपोर्ट करेगा। और सबसे बढ़िया बात तो इसमें ब्लूटूथ है, इसमें ऑडियो प्लेबैक के लिए ये ब्लूटूथ एंटीना यहाँ पे, तो ब्लूटूथ है। तो मैं इसको एक आपको मैं एक प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर कभी पॉसिबल हुआ तो हमें इसको फ्यूचर में इसका कुछ एक DIY प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, एक छोटा सा पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर बनाएंगे वीडियो के साथ, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ भी है तो ऑडियो भी चलेगा, और वीडियो देखना हो तो वीडियो भी चल जाएगा इसके अंदर ही। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। तो पहले मैं इसको आपको, मैं क्या करता हूँ, पावर अप पूरा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और एक इसका USB डाल के भी फिर मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अभी लाइट का फ़िलहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि जो ऊपर जो लाइट जो मैं लगाया था उसका एडाप्टर अभी इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका वर्किंग वोल्टेज जो है ना, वो है यहाँ पे लिखा है 12 to 24 वर्किंग वोल्टेज है। ये इनपुट है यहाँ पे, ऑडियो इनपुट है यहाँ पे, लेफ्ट राइट और ग्राउंड। ये यहाँ पे आपको ऑडियो आउटपुट मिलेगा, और यहाँ पे ये दूसरा है वीडियो आउटपुट है ये वाली। तो ये जो आउटपुट है ना, इसके अंदर आपको एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली अगर स्पीकर लगाएंगे तो साउंड जो बहुत कम आएगा, लेकिन इसके अंदर के आपको एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। तो अभी इसको मैं एक प्लेबैक कर लगा देता हूँ दो। तो अभी मैंने फ़िलहाल तो मैंने पावर मैंने एडेप्टर से दे दिया है, और एक छोटा सा एक ये स्पीकर है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया डायरेक्टली। थोड़ा सा हल्का सा आवाज़ आएगा लेकिन सुन सकते हैं, इसलिए मैंने उसको लगा दिया। ये स्टार्ट हो गया, तो ये ऐसा है स्क्रीन है। ये स्टार्टिंग में जब आप परचेस करेंगे ना इसको, तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, उसका लैंग्वेज आपको चेंज करना पड़ेगा सेटिंग में जाके। तो ये देखिए, ये ब्लूटूथ हो गया, म्यूज़िक, मूवी, FM भी है इसमें, ऑक्स इनपुट के लिए, ये ई बुक अगर कुछ रीड करना हो तो, फोटोज़ देखने के लिए, फाइल एक्सप्लोरर, कैलेंडर, सेटिंग्स वगैरह है। सेटिंग्स में जाके आपको टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, ये 2017 का डेट है ये। अरे टच स्क्रीन नहीं है, तो ये इसको बार बार स्क्रीन ऑफ हो जाता है। हाँ, तो ये ऐसा आप सिलेक्शन कर सकते हैं ऐसे ऐसे। मैंने अभी फ़िलहाल रिमोट भी मैंने ऑन किया, रिमोट के अंदर भी बैटरी डाल दिया, तो देखते हैं रिमोट से भी। हाँ देखिए, रिमोट से भी काम कर रहा है। वॉल्यूम कम डाउन, वॉल्यूम भी हो रहा है। फुल वॉल्यूम कितने लेवल तक का है? 30 है, फुल वॉल्यूम 30 है। अभी मैं आपको एक USB डाल के दिखा देता हूँ, तो ये वाला डालते हैं इसमें। तो ये एक मैं कहीं पे गया था, एक मतलब एक एनिमल हॉस्पिटल में गया था ना, तो ये वहाँ का है। तो ये वीडियो है, ये एक मेरा कॉन्फ्रेंस का वीडियो है।
तो ये देखेंगे कितना अच्छे से प्ले हो रहा है। तो क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छा क्लैरिटी, इस पर स्क्रीन है का कवर है वो निकालना पड़ेगा तो शायद अच्छा आएगा। तो ये देखिए ये मैं हूँ यहाँ पे, तो मैंने स्क्रीन निकाल दिया तो अच्छा है, मतलब क्लैरिटी भी अच्छी क्लैरिटी है इसकी। तो काफ़ी अच्छा है, ये वीडियो भी प्ले कर रहा है, वॉइस आपको शायद आपको सुनने में कम आएगा, देखता हूँ इसका, क्योंकि वॉइस में थोड़ा सा, मैं आपको एक ऑडियो चला के दिखाता हूँ तो उसमें वॉइस आता है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको एक सॉन्ग मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। तो अभी इसका हम लोग ब्लूटूथ ऑन करते हैं। ये अच्छा, ये ब्लूटूथ पे है, ब्लूटूथ को सिलेक्ट करने के लिए, तो ये ब्लूटूथ एक्टिवेट हो गया और यहाँ पे अभी इसको ऑन करते हैं। पेयरिंग हो रहा है, अच्छा क्या हुआ इसको, ओके तो ये अभी कनेक्ट हो चुका है। तो मैं एक अपना नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले कर देते वरना प्रॉब्लम आ जाएगा कॉपीराइट म्यूज़िक का। तो ये एक म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ, तो ये साउंड आपको आ रहा है सुनने में, क्योंकि इसमें एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीफायर नहीं है, ये डायरेक्ट मैंने अटैच किया, इसलिए साउंड आपको एकदम बहुत कम आएगा सुनने में। ये फुल वॉल्यूम है लेकिन फिर भी आपको इसमें साउंड आपको कम आएगा क्योंकि एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। तो मैं इसका आगे एक DIY प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, लिथियम बैटरी का चार्जर के साथ एक DIY प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब क्या बहुत अच्छा बन जाएगा ये। तो ये प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको परचेस करना हो तो ये प्रोडक्ट, तो ये आपको अली एक्सप्रेस पे आपको ये मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। इसमें कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर। इसका ऑनलाइन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। परचेज़ करने के लिए आपका डेबिट कार्ड या आपका क्रेडिट कार्ड पे इंटरनेशनल शॉपिंग एक्टिवेट होना चाहिए। काफ़ी लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि होता नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल शॉपिंग एक्टिवेट होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं। और अब इसको कार पे लगाइए, घर पे यूज़ कीजिए, कैसे भी यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा चीज़ है, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा, कॉम्पैक्ट भी है और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने लिया था कुछ अराउंड 1200 का कुछ मैंने लिया था, तो वर्थ है ये मतलब लेने के लिए। आप इसको DIY प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि थोड़े और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए कुछ करते रहूँ मैं, कुछ ताकि कुछ नया नया अनबॉक्सिंग करेंगे, कुछ नया नया कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, DIY करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय।